दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करना होगा और मेरी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे इसके लिए आपको ये बेल। हाय फ्रेंड्स, दिग्मोहित किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बच्चों की मनपसंद पनीर पॉपकॉर्न बनाना सिखाती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि हम इसको किस किन चीज़ों के साथ मिलकर बनाते हैं। इसके लिए हमें पनीर चाहिए जिसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। हल्दी पाउडर मुझे चाहिए, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, कॉर्नफ्लोर, मिक्स्ड हर्ब और ब्रेड क्रम्स। इसको बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया था। इसको मैं सबसे पहले एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसको इसमें हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 स्पून डाला है। अब हम इसमें नमक डाल लेंगे, हल्का नमक डालेंगे, टर्मरिक पाउडर, मिक्स्ड हर्ब, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है और वैसे भी आप आपके घर में गेस्ट आए आप उनके लिए आराम से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं एक तरफ रखती हूँ और एक सिंपल से अब इसमें एक पतला डो बनाते हैं। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर लूंगी 4 चम्मच, इसमें हम सॉल्ट, ब्लैक पेपर और हल्का सा पानी मिलाकर मिक्सचर तैयार करेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा डो घोल बनाएंगे, लम्स ना पड़े ऐसा घोल बनाना है हमें, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं। अब हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम तीनों चीज़ें ले लेंगे। हमने कढ़ाई अपनी चढ़ा ली है गैस पे और घी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं एक एक पनीर के टुकड़े को लूँगी और इसे मिक्सचर में डिप करेंगे हम और ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ऐसे हम दूसरा टुकड़ा लेंगे। अब इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे हम दोनों टुकड़ों को। अब इसे एक बार और हम मिक्सचर में डालेंगे, फिर एक बार हम इसे कोट करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब इसको हम दूसरी प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ऐसे ही हम दूसरा टुकड़ा लेंगे, उसे अच्छे तरीके से दोबारा डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा लेंगे और इसे अलग निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे ब्रेड क्रम्स को, सारे पनीर पीसेस को हम आराम से बार बार करके ऐसे तैयार कर लेंगे। अब मैंने कुछ पीसेस अपने तैयार कर लिए हैं, तब तक मैं इसे तलूंगी, तब तक मैं दूसरे पीसेस तैयार कर लूंगी। अब हम इसे तल लेते हैं। इसे तल लेंगे। अभी हमारे पनीर तल गए हैं। अब मैं इसे नैपकिन में निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से दूसरा पीसेस डालती हैं। अभी धीरे से हमारे अच्छे तरीके से तल जाएगी। लीजिए, तैयार है हमारे पनीर पॉपकॉर्न और ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए इसका। और ये बिल्कुल KFC के तरह लगते हैं, जैसे KFC के वेज पनीर पॉपकॉर्न लगते हैं वैसे ही लगते हैं। आप घर में बनाइए। लीजिए, तैयार है पनीर पॉपकॉर्न। इसे बनाइए, घर में बच्चों को खिलाइए और अपने आने वाले गेस्ट को खिलाइए। और ये बहुत ही टेस्टी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।